बस समाज को खराब करने वाली लड़कियां वो हैं जो इंस्टाग्राम पर अपने कपड़े उतारकर मुजरा कर रही हैं। इन लड़कियों को ना ही तो इनके परिवार की चिंता है और ना ही इस बात की चिंता है कि आने वाले वक्त में इनकी इन हरकतों का फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा। मतलब लड़कियां कुछ जगहों पर, चाहे ट्रेन हो, बस स्टैंड हो, पार्क हो, वहां पर अपने कुछ बॉडी पार्ट्स को दिखाकर डांस करती हैं तो लोग कहते हैं वो मुजरा कर रही हैं, वेश्यावृत्ति कर रही हैं, आज़ादी का गलत यूज कर रही हैं। तो ये लड़के क्या कर रहे हैं? ये लड़का ट्रेन में डांस कर रहा है, ये लड़का अपने कपड़े उतार रहा है और एक लड़की के सामने जा रहा है, तो ये सभ्यता है, ये सिविलाइजेशन है, ये वेश्यावृत्ति नहीं है, मुजरा करना नहीं है। मतलब लड़की करे तो मुजरा है, लड़की करे तो वेश्यावृत्ति है, लेकिन लड़के करें तो महानता है। हम बात करते हैं कि हमारा समाज सभ्य होना चाहिए, हमारे और जानवर के बीच में इतना तो फर्क होना चाहिए कि हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, हमारे पास पावर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन है, हमारे पास पावर ऑफ इंटेलिजेंस है, जो कि जानवरों के पास नहीं होता, हमें और जानवर में इतना ही तो फर्क है। लेकिन ये जो सिविलाइजेशन है, ये जो इक्वालिटी की बात है, तो ये लड़के और लड़की दोनों के लिए एक जैसा हो ना। लड़की अगर कुछ गलत कर रही है तो लड़की को गलत बोलो, लड़का कर रहा है तो उस पर भी वीडियो बनाओ। लड़के भी तो अपने सारे कपड़े उतारकर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, जिम में अपने कपड़े उतारकर बॉडी बना रहे हैं, तब किसी को ये गलत दिखाई नहीं देता, ये मुजरा नहीं है। लड़के भी तो डांस कर रहे हैं, कपड़े उतारकर डांस कर रहे हैं, तो ये मुजरा नहीं है। लेकिन लड़की कर रही है तो मुजरा है, वेश्यावृत्ति, आज़ादी का गलत यूज़ है। अगर लड़की अपने कुछ बॉडी पार्ट्स दिखाती है तो इसके पीछे के लॉजिक को भी समझो। लड़की का बॉडी पार्ट्स दिखाने का शुरू से एक कारण माना जाता है कि लड़की के कुछ बॉडी पार्ट्स दिखने पर उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। जैसे आप कई शायर को देख सकते हैं, कई सारे आप पुराने स्क्रिप्ट्स को भी देख सकते हैं, उनमें भी आपको मिल जाएगा कि लड़कियां अपने कुछ बॉडी पार्ट्स अगर दिखाती हैं तो वो उनकी सुंदरता का, उनके आभूषण का एक प्रतीक है। जैसे लड़कियां कुछ बिंदी लगाती है या हार पहनती है, सोने के ज्वेलरीज पहनती है, तो वो इसलिए पहनती है क्योंकि इससे उसके सुंदरता में वृद्धि हो जाती है। तो उसके कुछ बॉडी पार्ट्स को दिखाना भी उसकी सुंदरता में वृद्धि करने का ही एक सिंबल होता है, इसलिए लड़की अपने कुछ बॉडी पार्ट्स को दिखाती है। तो ये मुजरा करना या वेश्यावृत्ति करना नहीं है। हम मानते हैं कि हम एक सभ्य समाज की बात करते हैं जहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हों, लेकिन लिमिटेशंस दोनों के लिए हों। लड़की का डांस करना, लड़की के कपड़े उतारना, लड़की के कुछ बॉडी पार्ट्स को दिखाना अगर मुजरा करना है तो फिर लड़कों के लिए भी ये लिमिटेशंस बननी चाहिए, लड़कों के लिए भी यही बात हमें बोलनी चाहिए। मतलब अंबेडकर साहब के नाम पर कुछ भी बोलेंगे। अरे भाई, इसी पक्षपाती सोच से तो बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय समाज को और देश को बाहर निकाला था और महिलाओं को समान अधिकार दिए थे, लेकिन आपकी यही पक्षपाती सोच एक दिन फिर बाबा साहब के सपनों पर पानी फेरेगी और महिलाओं की आज़ादी की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी, और आपके यही विचार एक दिन फिर से रूढ़िवादी सोच बनकर हमारे समाज में शामिल हो जाएंगे और महिलाओं की सारी के सारी आज़ादी और बाबा साहब के सपने पर पानी फिर जाएगा।